वेलकम गाइस, वेलकम टू द सेम व्लॉग विद सेम वेडनेसडे वाला व्लॉग। आज कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? आज जाना है कॉलेज। इसे देख के तुम्हें लग ही गया होगा पता। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पैसे कटते हैं, बस में चढ़ने से पहले रिचार्ज कराना पड़ता है। यार कैमरा साफ नहीं है क्या? अब दिखा अच्छे से कैनेडा या अभी भी साफ नहीं है? एक तो चलो ये क्या दिखाऊं तुम्हें, रेगुलर सी चीज, मेरा पर्स देख लो, मेरा वॉलेट देख लो गाइस। तुम्हें चोरी वगैरह करना हो तो इसमें कर लेना। ये इधर है अपना फेयरव्यू मॉल, देख लो, मेरी सिटी में ही मॉल है और मैं इसमें आज तक गया नहीं हूँ। क्या करें भाई, टाइम ही नहीं है। आज तो टेम्परेचर बढ़िया हो रहा है, 11 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। तो आज तो इंडिया वाली हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। इसमें मट्ठी मट्ठी हवा लग रही है, ठंड तो लग ही नहीं रही है क्योंकि अब माइनस के टेम्परेचर वाली हवा देख ली है ना। अब ये तो प्यारी लग रही है। मेरे को लग रहा है यहाँ भी डेमोगोर्गन्स ने हमला करना है। आसमान देखना कैसा हो रखा है। आसमान कैसी सी बातें कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान तो नहीं आ गया, आसमां उसमां जैसी बातें कर रहा हूँ। मेरा मतलब क्लाउड्स देख लो गाइस, कैनेडा की लैंग्वेज में क्लाउड्स, क्या सेक्सी हो रखे हैं। बस डर लग रहा है डेमोगोर्गन्स ना आ आई जाए तो अच्छा है यार, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, मर मुड़ जाएंगे एक बार में, कहानी खत्म। अब तुम्हें पता ही है मुझे क्या करना है, बस में जाके सोना है और फिर आगे ट्रेन पकड़ के उसमें दोबारा सोना है। आइए बस स्टैंड वाले इसमें क्या करते हैं, इग्निटो मोड चला के, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है। लो भाई बस में आ गया, सोने का टाइम हो गया, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेशन। बर्लिंगटन स्टेशन आ गया गाइस, ड्राइवर ने लेट कर दिया यार, ट्रेन मिस होगी तो अब 9:30 वाली लेनी पड़ेगी। लो तो भाई सब वे आ गई है, अब चलते हैं कॉलेज, फिर तो मैं दिखाता हूँ कॉलेज का टूर। तो ये आ गया भाई डुपोंट स्टेशन, डुपोंट स्टेशन से पड़ता है मेरा कॉलेज जॉर्ज ब्राउन। तो यूनियन स्टेशन से सबवे लेके आधा घंटा लगता है, मतलब डुपोंट स्टेशन पे पड़ता है। तो यहाँ से डुपोंट स्टेशन जाके आगे से राइट जाना है, आगे से सॉरी लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाके आ जाएगा हमारा प्यारा प्यारा कॉलेज। तो वो दिखाता हूँ फिर तुम्हें। ये कुत्ता अभी तक मिला नहीं है क्या, ढूंढ दो यार, इतना तुम्हारा वीज़ा नहीं आ रहा, इतना तुम ये कुत्ता को ढूंढ ही सकते हो। आगे कैसल है यहाँ पे, वो बड़ा मशहूर है, तुम्हें आज वो दिखाता हूँ बाहर से, अंदर को मुझे जाने नहीं देंगे क्योंकि वहाँ के लिए भी वीज़ा लेना पड़ता है। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ कैनेडा का वीज़ा है। तो देख लो व्यूज़ देख लो टोरंटो के, तो मैं वहाँ से बड़ा मन कर रहा होगा ना आने का। यहाँ भेज दो बस एक बार, यहाँ भेज दो, यहाँ आके पता चलेगा तुम्हें। ये देखो फिर कैसा लग रहा है। बस आगे आएगा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज तो मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ की TTC है, TTC कहते हैं ना इसे, मैं श्योर नहीं हूँ भाई, मैं इधर GTA एरिया में रहा नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है यहाँ का। तो दिस इज ऑल। ओके भाई गाइस, आपके जा रहे हैं हमारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बताया तुम्हें, यहाँ की पार्किंग है, यहाँ डेंजर से डेंजर कार खड़ी रहती है। जॉर्ज ब्राउन छोटा मोटा कॉलेज तो है नहीं, मतलब टोरंटो के टॉप 5 कॉलेज में आता है। तो यहाँ का जो क्राउड है वो बड़ा ही क्रीम क्राउड है। ये आ गया जॉर्ज ब्राउन का मेन कैंपस, कासा लोमा कैंपस। तो यहाँ से होगी हमारी एंट्री। ये रहा इसका एंट्रेंस, मेन गेट। तो ये यहाँ का मतलब ये मेन कैंपस है कासा लोमा। तो दिखाता हूँ इसे, चलो आगे से। ओके बाय गाइस, ये खड़े हैं अंग्रेज। ये रहा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, कितनी बार बताऊँ। और इधर साइकिल्स वगैरह खड़ी हैं, जो साइकिल्स पे आना पसंद करते हैं यहाँ से आ सकते हैं। ये रहा गेट, मेरे लिए गेट खोल दिया किसी ने। तो चलो अभी थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लूँगा, चलो अभी तो जा ही सकता हूँ। ये यहाँ का स्टूडेंट एसोसिएशन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, मतलब अगर तुम्हें रौन के देखनी हो तो इस एरिया में मिलेगी तुम्हें रौन के। नीचे जाके दिखाऊँगा। ये यहाँ पे है रौन के पूरी की पूरी। अब चलते हैं लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में बैठ के मेरे को टेस्ट देना है अपना, 12 बजे टेस्ट है। तो उसके लिए चीटिंग का मटेरियल तैयार कर लूँ अपना। चीटिंग थोड़ी करता हूँ यार, मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैं पढ़ लिख के देता हूँ, बात तो सही लिखी है। इधर क्लासेस वगैरह हैं भाई, ये देखो इधर जाके क्लासेस हैं, ये क्लास लग रही है, अंदर क्लास चल रही है। तो उधर बाहर तुम्हें सिगरेट वगैरह फूकनी हो तो बाहर जाके फूक सकते हो, क्लास में मत फूकना। ये अंदर का सेक्सी व्यू, वो उधर क्यूटीज खड़ी हैं, क्यूटीज को मैं नहीं दिखाऊंगा वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो बढ़िया यार, ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वो ये इधर सारी क्लासेस ही क्लासेस हैं। तो तुम्हें अब मैं लाइब्रेरी दिखाऊं यार,
ये यहाँ पे तुम्हें अगर बैठना हो, बैठ के लंच वगैरह करना हो, ये भी इधर क्लासेस चल रही हैं। गोरा देख रहा है मेरे को, इधर भी क्लासेस चल रही हैं। कितने बच्चे ही बच्चे बैठे हैं यहाँ तो, ये टिफ़िन खोल के बैठे हैं क्लास में, फ्रंट सीट पे ही खोल के बैठे हैं। हम तो पिछली सीट पे बैठ के खोलने से भी डरते थे यार। क्लासेस के अंदर क्यूटीज भरी पड़ी हैं। ये इधर फिर क्लासेस हैं, तो चलो मैं लाइब्रेरी चलता हूँ। ये यहाँ की लाइब्रेरी है गाइस, यहाँ पे पूरा फुल क्राउड बैठा है। उधर आगे लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स। तो यहाँ पे ऐसा है, अगर तुम्हें लैपटॉप या चार्जर वगैरह कुछ भी चाहिए तो तुम्हें ये प्रोवाइड कर देते हैं, बस तुम्हें अपनी स्टूडेंट आईडी देनी होती है। और ये पीसीस तुम जब मर्जी आके चला सकते हो, तुम्हें जो भी काम करना तुम यहाँ कर सकते हो। और उधर फोटो स्टेट है, अगर तुम्हें फोटो स्टेट करानी हो तो फोटो स्टेट के भी यहाँ, फोटो स्टेट के भी मतलब प्राइजेस वगैरह कम है कंपेरेटिवली टू अदर स्टोर्स। तो इधर भी रौनकें वगैरह अच्छी लगी हुई हैं। उधर बंदे कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसे देख के मेरा सिर घूमने लग गया है, कितना मुश्किल काम कर कैसे रहे हैं। तो अभी मैं इसमें चलाता हूँ अपना ब्लॉग, तो ठीक है भाई। तो भाई तुम इधर पीसी वगैरह को एक्सेस कर सकते हो, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कॉलेज का, अपने स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड डाल के। ये देखो भाई, पीसी में टेस्ट चल रहा है, यहाँ से आंसर मैं कॉपी करके नहीं दे रहा हूँ, मतलब यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ खुद के दिमाग से। ये तो वैसे ही रखा हुआ है शो ऑफ के लिए, ताकि अच्छा लगे। इसमें से नहीं कुछ भी आंसर्स वगैरह सर्च करे हैं मैंने, बस इसी में से करा जो करा डायरेक्ट। तो ये तो बस वैसे ही रखा ताकि फ्रेम अच्छा है। ये क्या, अच्छा सेम ही लिखा है क्या, सेम लिखा है क्या दोनों जगह? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये लो लाइब्रेरी देख लो, ये देखो गाइस पढ़ पढ़ के थक गया। तो भाई लाइब्रेरी से निकल चुके हैं बिना कुछ चीटिंग करे टेस्ट देके, तो अब जाते हैं ऊपर। ये है भाई कॉलेज का एम्प्टी स्पेस, जहाँ से कॉलेज में मतलब एंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। ये है फ्रंट डोर, फ्रंट डोर नहीं मतलब दो दरवाजे हैं इस भूल भुलैया के, अंदर से भूल भुलैया यार ये पूरा कॉलेज। तो यहाँ से तुम्हें मैं दिखाता हूँ व्यू, सेक्सी व्यू। नो स्मोकिंग भाई यहाँ मत करना। ये तो यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। ये यहाँ पे हैं सीढ़ियाँ। अच्छा ये है मेन, यहाँ से तुम आ सकते हो। ये रोड है, यहाँ से चढ़ के तुम्हें एंट्री मिल जाएगी इस कॉलेज में। यार बाहर से तो, बाहर से अगर तुम देखोगे, बाहर से तो बिल्डिंग वगैरह पुरानी सी हो रखी है, जंग लगा हुआ है, पर अंदर से बिल्कुल सेक्सी है डिपार्टमेंट। तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और ऑफ़र लेटर वगैरह आ चुका है या वीज़ा आ चुका है, तुम्हारे पैसे सही जगह लगे हैं, मज़े आने वाले हैं, तो आ जाओ। ये है गाइस कॉलेज का कैफेटेरिया एरिया, तो यहाँ तुम्हें पूरी रौनकें दिखेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, इधर पूरी रौनकें लगी हुई हैं, जहाँ तक भी नज़र घुमाओ मज़े ही मज़े हैं। ये कैंटीन मतलब खाने वगैरह का लगा है, अगर तुम्हें कुछ खाना है इधर तुम अपना बैठ के लंच वगैरह कर सकते हो जो भी तुम लेके आए हो। और इधर ओवन्स लगे हुए हैं, माइक्रोवेव लगे हुए हैं, सॉरी ओवन कह रहा हूँ, फूड कोर्ट में काम कर करके ओवन की आदत हो गई है सारी। तो यहाँ माइक्रोवेव वगैरह लगे हुए हैं इधर, जिसमें तुम अपना लंच गर्म करके खा सकते हो। और बाकी और क्या दिखाऊँ, मैं हमेशा की तरह अकेला ही बैठा हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त बना नहीं है। तो चलो मैं भी लंच कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं, ओके बाय। ये देख लो क्लासेस गाइस, ये सामने मेन एडमिन एरिया मतलब एंट्रेंस है यहाँ पे, ये मेन एडमिन एरिया है यहाँ का। तो यहाँ पे कोई भी क्वेरी वगैरह होती है तो तुम यहाँ से पूछ सकते हो, और यहाँ से नीचे जाके तुम्हें पता ही है क्या है। ये देख लो जन्नत वाला एरिया गाइस, यहाँ पे तुम्हें सारे इंडियंस मिल जाएंगे अपने, या फॉरेनर्स मिल जाएंगे, स्टूडेंट एरिया है। तो अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं क्लास में जा रहा हूँ, ओके फिर मिलता हूँ। पंद्रह मिनट पढ़ाया नहीं प्रोफेसर ने और दस मिनट का ब्रेक दे दिया। ये स्टडीज़ है यहाँ पे देख लो, इतनी मज़ेदार है। अगर इतनी आसान स्टडीज़ अपने इंडिया में होती तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाता कब का, बट यार अगर मैं कर लेता फिर सारे कर लेते। ये देखो यहाँ से अगर तुम्हारा कभी मन बने कि मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, तो यहाँ से सुसाइड कर लेना। ये सुसाइड पॉइंट है यहाँ का जॉर्ज ब्राउन का। तुम्हें कभी लगे कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो यहाँ से अपना सुसाइड वगैरह कर सकते हो।
और उधर क्लासेज हैं, सेम सेम ही है यार सारी जगह से, क्या ही दिखाऊँ। और ये कौन सा, क्या कहते हैं उसे, कौन सा बोर्ड होता है, ये कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं। लो भाई कॉलेज से निकलने का टाइम हो गया, शाम के बज गए हैं 5, तो अब जाना है घर। तो यहाँ से जाने में लगे हैं घर 3 घंटे, तो बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। टमी इज़ वेटिंग, टमी इज़ वेटिंग फॉर मी, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है टमी मेरे लिए। तो चलो तुम्हें आज टमी से मिलवाता हूँ, इसका नाम टमी है, टमी माई फ्रेंड, इससे तुम मिल सकते हो। ये नशे फूक रहा है। स्टेशन की भीड़ देख लो गाइस, ये तो दिल्ली के सदर बाजार जैसा लगता है बिल्कुल। ये देख लो कितनी जनता ही जनता है। अब मुझे जाना है गो बस में, ना सॉरी मुझे अब जाना है गो ट्रेन में। तो दिल्ली का चांदनी चौक देख लो, और एक टोरंटो का यूनियन स्टेशन देख लो, एक बराबर ही लगते हैं दोनों। ओहो हो, कितने लोग हैं, लोग ही लोग हैं। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, आज का करते हैं व्लॉग एंड। व्लॉग मतलब जो भी था कॉलेज टूर वगैरह, तो यहाँ पे लाइटनिंग अच्छी थी, मैं क्या व्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। तो ठीक है फिर गाइस, बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यार अच्छा लगा तो करा दो यार, ग्रोथ ग्रोथ हो ही नहीं रही है, बाल कैसे हो रहे हैं। चलो इसे इग्नोर करो, ठीक है फिर बाय।